त्योहारों में जब तक मिठाई के मिठास ना हो तब तक वो त्यौहार अधूरा सा लगता है है ना और इस त्यौहार अगर आप ही ये सोच रहे हैं कि इस बार कौन सी मिठाई बनाई जाए या लाई जाए तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी इसे हम फ्रेश नारियल के बनाने वाले हैं बिना मावा बिना कंडेंस्ड मिल्क बिना मिल्क पाउडर के ये बर्फ़ी बहुत ही कम समय में कम सामान में और कम मेहनत में बन करके तैयार होती है और स्वाद ऐसा कि आप एक बार अपने घर वालों को या फिर आपके घर में जो गेस्ट आएंगे उन्हें खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ कुछ खास टिप्स शेयर किए हैं जिससे आपकी बर्फ़ी बिल्कुल हलवाई की तरह बनकर के तैयार होगी तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो चलिए फटाफट से आज की इस मिठास भरी रेसिपी को शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नारियल लिए हुए हैं तो मेरे पास दो नारियल थे जिसे तोड़ करके इनके ऊपर का जो ब्लैक वाला छिलका होता है उसे मैंने छील कर हटा लिया है और इसे थोड़े छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं बट अगर आपके पास बिल्कुल बारिक वाला ग्रेटर हो तब वरना आप इसे ग्राइंड ही करें क्योंकि ये बर्फ़ी है अगर वो ज़्यादा बड़े पीसेस रहेंगे ना तो वो अच्छे नहीं लगेंगे तो यहाँ पे मैंने सारा नारियल इसमें डाल दिया है इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है बस हमें इसे ग्राइंड करना है ग्राइंड करने वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि हमें इसे लगातार नहीं चलाना है वरना ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा तो बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी हमें कुछ इस तरीके से दर दरा बनाना है ताकि नारियल कुछ इस तरीके से रहे ये देखिए ये हमारा नारियल बिल्कुल परफेक्ट है तो इसे हम निकाल लेते हैं और फटाफट से चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है और इसमें मैंने तकरीबन दो बड़े चम्मच घी ऐड कर दिए है फ्रेंड्स घी ऐड करने से इस बर्फ़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है एक तो बर्फ़ी में काफ़ी अच्छी शाइन आती है प्लस नारियल काफी अच्छे तरीके से भुनता है घी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हमें सारा नारियल डाल देना है और अब हमें यहाँ पर इसे लगातार चलाते रहना है आपको यहाँ पे खास बात का ध्यान रखना है कि आप नारियल को लगातार चलाते हुए पकाएं फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पर हम इसे आराम से तकरीबन पाँच से छह मिनट के लिए भुनेंगे ताकि नारियल बढ़िया तरीके से घी के साथ भुने और अच्छे से उसके फ्लेवर को ले ले फ्रेंड्स ये बर्फी ना बहुत ही जल्दी बन जाती है क्योंकि त्यौहार का टाइम बस शुरू हो चुका है ऐसे में हम सभी सोचते हैं कि इस बार कौन सी मिठाई बनाई जाए या फिर लाई जाए अब बाहर से अगर हम मिठाई लाते हैं तो इस टाइम पे त्योहारों के समय में मिठाइयों में काफी ज्यादा मिलावट होती है तो अगर आप घर पर ही मिठाई बनाएंगे तो एक तो इसमें कोई मिलावट नहीं रहेगी और प्लस ये फ्रेश बना हुआ होगा क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि जब हम बाहर से लाते हैं तो वो मिठाई कब की बनी हुई है कब की नहीं कई बार तो वो पुरानी मिठाई भी दे दिया करते हैं तो ऐसे में अगर आप घर पर ही बनाएं तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता है तो नारियल को मैंने यहाँ पे लगातार चलाते हुए तकरीबन छह मिनट के लिए भून लिया है अब इस टाइम पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध दूध मैंने यहाँ पे एक लीटर लिया हुआ है इसे मैंने पहले से ही गर्म किया हुआ है अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गाढ़ा दूध है क्योंकि हमने इसमें ना मावा ऐड किया है ना मिल्क पाउडर ऐड किया है और ना ही कोई कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है तो अगर आप इसमें गाढ़ा दूध ऐड करेंगे ना तो इस बर्फी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है साथ ही में मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ तो मैंने दो ग्राम चीनी ऐड की है अगर आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं इन्हें डाल करके अच्छे तरीके से मिला देना है और अभी भी इस बात का ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाते रहे फ्रेंड्स अगर आप इस बर्फ़ी को और भी ज़्यादा यमी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मलाई ऐड कर सकते हैं जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना वो वाली बट सच कहूँ तो उसे डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो नारियल का रियल टेस्ट होता है ना वो इस बर्फ़ी में इतना बढ़िया होता है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे हिंगे बर्फ़ी इतनी ज़्यादा यमी होती है कि सभी को पसंद आती है फ्रेंड्स दूध डालने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि धीरे धीरे जो नारियल है वो दूध को एब्जॉर्व करना शुरू करेगी तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा सा पेशेंस के साथ पकाए बट यकीन मानिए जितने अच्छे तरीके से आप इसे पकाएंगे बर्फ़ी का स्वाद उतना ही बढ़िया आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसमें बबल्स आने शुरू हो रहे हैं यानी कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से नारियल पकना शुरू हो चुका है और साथ ही में ये अच्छे तरीके से दूध को भी एब्जॉर्ब कर रहा है इस टाइम पर मैंने इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है बट मुझे क्योंकि इलायची का फ्लेवर पसंद है बस इसलिए मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच ऐड किया है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं हाल ही में भी रक्षाबंधन भी आने वाली है और रक्षाबंधन में रेशम का धागा और साथ में मिठाइयों की मिठास यही तो दो चीज़ें होती हैं जो भाई बहन को प्यार को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है तो ऐसे में भी आप अपने बहन के लिए या भाई के लिए ये मिठाई घर पर बना सकते हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इतनी अच्छी मिठाई घर पर बनाई धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि जो नारियल है वो दूध को काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्व कर रहा है और ये क्वांटिटी में भी कम होती जा रहा है हमें नारियल को तब तक अच्छे तरीके से पकाना है जब तक नारियल सारे दूध को अपने अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्व कर ले तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नारियल ने सारे दूध को अपने अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्व कर लिया है और अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जब हम इस बर्फी को सेट कर सकते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इसे ज्यादा ओवर नहीं पकाना तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम निकाल लेंगे बर्फ़ी को सेट करने के लिए आप कोई भी बर्तन जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक ट्रे लिया है इसे घी से ग्रीस जरूर करें इससे बर्फ़ी को निकालने में दिक्कत नहीं होगी अब हमें इसमें सारा बर्फ़ी वाला जो अभी हमने मिक्स बनाया है वो इसमें डाल देना है और इसे डाल करके हमें इसे इक्वल कर देना है ताकि ये ऊपर नीचे ना रहे चारों तरफ बिल्कुल सेम रहे बर्फी को हर तरफ से इक्वल कर लेने के बाद अब हमें इसे तकरीबन आधे से एक घंटे के लिए रहने देना है ताकि जो बर्फी है वो आराम से सेट हो जाए या फिर अगर आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख करके और बर्फी को सेट कर सकते हैं तो मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ही रख रही हूँ रूम टेम्परेचर पर आराम से सेट हो जाएगा कुल एक घंटे के बाद अब यहाँ पे जो हमारी बर्फ़ी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है अब आप इसे अपनी पसंद के शेप्स में कट कर सकते हैं स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल जैसा आपको पसंद है मैं इसे स्क्वायर के शेप में कट कर रही हूँ कट करने से आपको पता लग रहा होगा कि जो बर्फी है वो कितनी अच्छी सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है कितनी आराम से ये कट हो रही है फ्रेंड्स आप एक बार ये बर्फ़ी ज़रूर ट्राई करिएगा आपको ये बहुत ही पसंद आएगा बर्फ़ी को कुछ इस तरीके से कट कर लेने के बाद ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल बढ़िया आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा तो बस अब एक एक करके सारे पीसेस को प्लेट में निकाल करके हमें इसे सर्व कर लेना है घर पर ही बहुत ही कम सामान से और कम समय में हमने इस बर्फ़ी को बना करके तैयार किया है और वो भी बहुत ही आसानी से इस बर्फ़ी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रेट किए हुए नारियल रखे हुए थे जिसमें मैंने थोड़ी सी फूड कलर डाल करके अब से मिक्स कर दिया है हालाँकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा इस बर्फ़ी में एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे ही ये बर्फ़ी बहुत ही यमी होती है बट क्योंकि अच्छा दिखे बस इसलिए मैंने इसके डेकोरेशन के लिए ये किया है आप चाहे तो कोई ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जैसे पिस्ता बादाम जो भी आपको पसंद है उस तरीके से आप इसकी सर्विंग कर सकते हो और ये हमारी नारियल की बर्फी बन के तैयार हो चुकी है बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बाजार की तरह मिठाई बनाना बहुत मुश्किल का काम है बट मुश्किल नहीं है बहुत ही आसान है बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है तो आई होप कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे वैसे आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा आपके लाइक्स कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं तो आप भी इस मिठाई को बनाइए और अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें मिलती हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो